मॉनसून की लगातार बारिश होने से पटना में जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वही गंगा नदी भी अपने उफान पर है और गंगा नदी में तेज बहाव के कारण पटना सिटी के फतुहा स्थित कच्ची दरगाह के पास गंगा नदी पर बना पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिससे पटना और राघोपुर दियारा का संपर्क भी टूट गया है। बता दें, पीपा पुल खुलने से अब हालात यह है कि पटना से राघोपुर जाने और राघोपुर से पटना आने के लिए लोगों को अब मौत की सवारी करनी पड़ रही है। दरअसल यह आलम है, अब राघोपुर दियारा वासियों को पटना आने के जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां नाव पर ही बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी वाहन को भी नाव पर लादकर पटना आने को मजबूर है। तो वही नाव चालक भी मोटी रकम कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बिठाकर गंगा नदी पार करा रहे हैं। नाव पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बाइक, ऑटो समेत बड़ी गाड़ियां, कार भी लादकर नाविक मौत की सवारी कर रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वहीं पर चंद कदम की दूरी पर नदी थाना भी मौजूद है, फिर भी पुलिस मूक दर्शक बनकर बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है। वही इस मामले पर पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने आगे बताया कि वहां पर 6 लेन ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसी साल के अंत तक राघोपुर हाजीपुर से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने की समस्या का अंत हो जाएगा। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। बात बता रहे हैं राघोपुर दियारा का, वहाँ जो है कल की एक घटना हुई थी। वहाँ पीपा पुल पहले लगा हुआ था और पीपा पुल मानसून को देखते हुए 15 जून से बंद कर दिया जाता है और वही खोलने का प्रोसेस चल रहा था और उसी में जो है कोई नाव जा रही थी तो अपना हल्का टच हुआ और उसके बाद फिर उसको लोग अपना अलग किया, कुछ लोग उसमें ज़बरदस्ती पीपा के पुल पर चढ़ गए, ये सूचना हम लोगों को मिली थी। उसकी जाँच का हमने आदेश दिया है और वहाँ पर भी 6 लेन ब्रिज बन रहा है, जो राघोपुर की बात कर रहे हैं, और इसी साल के अंत तक वो कनेक्ट हो जाएगा राघोपुर, तो पटना साइड से हाजीपुर वैशाली जो है उसका बिद्दूपुर कनेक्ट हो रहा है और राघोपुर में भी इसको हम लोग कर रहे हैं, तो समस्या का परमानेंट सोल्यूशन इसी साल के अंत तक होगा।